अगर किसी बंदे ने पिछले 2 हफ्ते की स्टॉक मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखी होगी तो वो शायद ये सोच रहे होंगे कि अदानी ग्रुप के अंदर अब एक एंट्री लेने का मौका आ चुका है और मुझसे इस टॉपिक पे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस करे हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हमार को अदानी ग्रुप से अब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। मेरा एक आंसर है कि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट के अंदर जो स्टॉक उतरा है उस पे आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। आप कुछ इन्वेस्टमेंट स्टोरीज को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके भी दूर से देख सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो एंट्री पे आप घुसेंगे वहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। और हिस्ट्री ये कहती है कि हर 10 सालों के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स मार्केट में आते हैं जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी से उनके शेयर गिरते हैं, फिर वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट करके रखते हैं। लेकिन मेरे को ये लगता है कि अगर आप किसी भी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको रात को एक साउंड स्लीप ज़रूर आनी ज़रूरी है, क्योंकि आप रिटर्न के अंदर 15-20% कमा लें तो मेरे को लगता है वो ठीक है, लेकिन आपको अगर सुबह उठते ही दिखे कि स्टॉक आपका 15% ऊपर है, 15% डाउन है, तो शायद आपका मेंटल लेवल जो है वो ज़्यादातर दिन के टाइम पे कंफर्ट एरिया में नहीं रहता, क्योंकि आप एक ऐसे स्टॉक को पिक कर रहे हैं जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट की जगह पे एक गैम्बलिंग माइंडसेट से इस स्टॉक को लेने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस स्टॉक के अंदर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी और रोज मार्केट के अंदर इतनी नेगेटिव न्यूज़ को प्रूफ करने के लिए आप मैनेजमेंट उतर रही है, तो शायद आप इस स्टॉक स्टोरी से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि मार्केट के अंदर आपको ऐसे स्टॉक्स भी मिल जाते हैं जो कि एक सस्टेनेबल लेवल पे अपना काम कर रहे हैं, उनकी कॉरपोरेट गवर्नेंस इतनी स्ट्रांग है कि मार्केट के अंदर उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता। तो मुझे लगता है कि जब ये स्टॉर्म जो है वो पूरा हो जाएगा तो शायद आपके पास एक केस स्टडी होगी, आपने एंट्री ली या आपने एग्जिट लिया उस पे आप विश्वास ना करें अभी फिलहाल, बस चुप करके इस स्टोरी को देखते रहें। यही मेरे लिए आपके एडवाइस है, क्योंकि आपके पास लेट्स अज्यूम 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट करना है और आप सोच रहे हैं कि अदानी ग्रुप में डाल दो, 40-50% स्टॉक टूटा हुआ है, हमारे 2 लाख बन जाएंगे, 3 लाख बन जाएंगे, तो ये स्टॉक मार्केट ना ऐसे नहीं चलती, ये अमीरों की गेम है अगर ऐसे स्टॉक पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो अपना 1-2 लाख अगर गवा भी देंगे तो उनका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई मिडल मैन है जिसके छोटी सी एक सेविंग्स है और उसको लगता है कि उसका पूरा घर सवार जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आप कुछ ऐसी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करें जहां पे आपको 120% का विश्वास हो और कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो जो बोल रही है वो आपके फाइनेंशियल्स पे भी जरूर दिखना चाहिए, क्योंकि ऐसी गलतियां मैंने बहुत टाइम करी हैं अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, कि मुझे लगता था 10 रुपए की चीज है 20 रुपए हो जाएगी, 50 रुपए हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप एक ऐसी कंपनियां पकड़ें जो कि सस्टेनेबली अपना काम कर रही हैं और ज़रूरी नहीं है कि बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही हो, आप कुछ ऐसी कंपनीज भी पकड़ सकते हैं जो कि धीरे धीरे 10-15% की ग्रोथ दिखा रही है ईयर ऑन ईयर, क्योंकि आपका कंफर्ट रहना बहुत ज़रूरी है इस शेयर बाजार के अंदर। और लोगों को ना डीमोटिवेशन ज़रूर मिल जाती है अगर आपकी रॉन्ग पिक्स आपके पोर्टफोलियो में आ जाए, और हिस्ट्री ये कहती है कि जो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है आपकी प्रॉफिट कमाने की शेयर बाजार के अंदर वो बहुत कम है और वो परसेंटेज जो है वो चेंज भी नहीं होने वाली। तो आपको अपने पोर्टफोलियो, अपने पैसे का खुद ध्यान रखना है और ऐसी चीज़ों के अंदर डालना है जिस पे आपको विश्वास हो, जिस पे आपको ये लगे कि मेरा 1 लाख रुपए जो लगा हुआ है वो मेरा 1-15 हो जाए या 1-20 हो जाए तो मेरे को सेटिस्फेक्शन है, बट मुझे साउंड स्लीप चाहिए। तो आप भी ऐसी ही स्टोरीज पे काम करें और ऐसी
गैम्बलिंग वाले माइंडसेट से इस बाजार में ना घुसें, क्योंकि जो भी बंदा इस मार्केट के अंदर गैम्बलिंग माइंडसेट से आएगा वो शायद अपना नुकसान ही कर बैठेगा। और ऐसे लोगों से भी आप नोटिस करेंगे कि जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अदानी ग्रुप के अंदर, उनके पास सरप्लस कैश पड़ा हुआ है और उनका 5 से 10 लाख रुपया भी अगर इस टाइम इन्वेस्ट हो जाए और उस पर रिटर्न आए तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको अपने बारे में सोचना है कि मेरा अगर पैसा फंस गया तो शायद मैं कुछ और चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट कर सकता था जहाँ पे मेरे को रिटर्न तो कम मिलती लेकिन वो रिटर्न जो है वो कन्फर्म होती। तो ये एडवाइस उन लोगों के लिए है जो कि इस टाइम स्टॉक मार्केट के अंदर पहली बार घुसे हैं और उनका एक्सपीरियंस अभी कम है और उन्होंने शेयर को टूटते हुए नहीं देखा। थैंक यू।